Surgical strike. One more. Surgical strike. One more. Surgical strike. Modi ji, please, man. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चरण तोमर, मेरी आपके इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो मैं बहुत ही दुखी हूं, मैं सिर्फ ये सब दुखी है, सब भारतीय लोग दुखी है, सब जितने भी लोग हैं बहुत ही दुखी है। तो हम लोग जो है पुलवामा अटैक का जो मोदी का भाषण जो हम लोग देखने जा रहे है, तो चलिए तो हम लोग देखते है और उसमें बहुत ही दुखी का बात है, तो चलिए तो देखते है। पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खोल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहे। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है।
उसके लिए मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अगर त्याग किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़े देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है, और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आंकड़ों से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है, और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को, उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन सब दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन का आहुत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देते हैं। समृद्धि के रास्ते को भी हम का भाषण जो हम लोग आधा ही हम लोग ये देखा है, बहुत ही लंबा है, तो बहुत ही दुखी है हम लोग सब, और हम लोग जो जितना भी इंडियंस है हम लोग बहुत ही दुखी है इस समय में, क्योंकि हम लोग का जो सीआरपीएफ को जो हम लोग का एटलीस्ट चलते चलते मार गिराया, मतलब ये करके बॉम्ब ब्लास्ट करके मार दिया। अगर पाकिस्तान वाले आप हिम्मत है तो आप आमने सामने करके ला रहे हो ना, हिम्मत है तो आप पीछे से क्यों वार करता है और सुसाइड बम लेके क्यों घूमता है? आप लोग जिंदगी सुसाइड करने के लिए निकले है क्या? मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, एवरी मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट बट एवरी पाकिस्तान इज टेररिस्ट। आप लोग सब टेररिस्ट है पाकिस्तान। इंडिया में जितना भी जो मूवी इंडस्ट्री में भी है ना, पूरा वापस ले जाओ आप लोग, पूरा लेके वहां में बम ब्लास्ट करके सबको मार दो। तो हम बहुत ही दुखी है। चरण जी ने कहा जैसे मतलब पाकिस्तानी जितने टेररिस्ट है, हम सीधे भी नहीं बोल सकते हैं कि आप लोग टेररिस्ट है, बट व्हेन वी सी द सिचुएशन, मतलब हम लोग जैसे देखते आए हैं कि आप लोग पनाह देते हैं उनको, जितने टेररिस्ट हैं, जितने मतलब लीडर्स है बड़े, जैसे मोहम्मद जितने भी है, सबके मतलब लीडर्स आपके वहां से आते हैं, तो इट्स बिट क्रिटिकल सिचुएशन कि हमारे देश के साथ भी ये हो रहा है। तो मतलब मार्टियर, मतलब इतने सोल्जर्स मर रहे हैं बेकार में, जवान शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार दुख तकलीफ में से बैठ रहे हैं, तो बहुत दुख वाला बात है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा बस किसी से नहीं, मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है। वो कहते रहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे नहीं, आप लाइए तभी आएगा। और दुआ करता हूँ कि वो जिन्होंने भी हमारे सीआरपीएफ को मारा, उनके लिए बुरे दिन ही आए। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है, तो हम लोग हर तरीका से हम लोग और सभी से मैं रिक्वेस्ट है,
काश मेरे पास ऐसे चीज होता, काश मेरे पास ऐसे दौलत शौहरत होता कि आप लोग सीआरपीएफ वाला का जब जो मरा है उनका परिवार को मदद कर सकता। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कम से कम आप कुछ भी करो किसी भी करो मदद जरूर कीजिए उसका परिवार को, तो ताकि वो हमारा ही भाई है, हमारा ही हो बेटा है, हमारा ही दोस्त है, हमारा ही हो साथी भाई मारा गया कि वो भी इतना बेरहमी से मारा गया। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिशियन से मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी में लड़ना छोड़ो और पहले दुश्मन को खत्म करो, इसका बाद देश में शांति आएंगे। तो हम लोग सब मतलब इंडियन आर्म फोर्स चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे पुलिस बल हो उन सब के साथ में रहेंगे, जितने देशवासी है भारत के, इवन वी ऑल सिटिंग हियर हम लोग भी आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सब की तरफ से दोस्तों मारो इसका बात पता चलेगा उन लोगों क्या होता है, बताओ कि पनिशमेंट क्या होता है ऐसे चोरी वाले हरकत करने के, ये पाकिस्तान के लिए है।